डायग्राम बनाने के लिए कहा तो डायग्राम बनाना पड़ेगा। इन अ पोटेंशियोमीटर स्टैंडर्ड सेल ऑफ 5 वोल्ट एंड नेगलिजिबल इंटरनेशन मेंटेन अ स्टडी करंट थ्रू अ पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ 5 मीटर। सबसे पहले पोटेंशियोमीटर वायर कितना है, पोटेंशियोमीटर वायर ए बी कितना है लेंथ इसकी 5 मीटर, और एक सेल है स्टैंडर्ड सेल 5 वोल्ट का, इसका ईएमएफ है 5 वोल्ट का, इसका ईएमएफ है, नेगलिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस है, और सीधे सीधे आपने इसे जोड़ दिया पोटेंशियोमीटर वायर से। इसने पोटेंशियोमीटर वायर में करंट इस्टेब्लिश कर दिए। उसके बाद क्या कहते हैं कि टू प्राइमरी सेल E1 and E2 आर जॉइंट इन सीरीज विद सेम पोलैरिटी एंड अपोजिट पोलैरिटी। हम्म, दो सेल है आपके पास, एक का ईएमएफ है E1 और दूसरे का ईएमएफ है E2, दोनों को आपने सीरीज में जोड़ दिया, दोनों को आपने सीरीज में जोड़ दिया सेम पोलैरिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड थ्रू गैल्वेनोमीटर एंड द जॉकी इज पोटेंशियोमीटर, द बैलेंसिंग लेंथ फाइंड टू बी 350। आपने ये गैल्वेनोमीटर जोड़ा और यहां से आपकी बैलेंसिंग लेंथ आ गई कितनी, L1 आ गई 350 सेंटीमीटर, ओके। इसके बाद आपने क्या काम किया, इसके बाद फिर से कुछ और चेंजेस किए इसके अंदर। क्या चेंजेस किए इसके अंदर, चेंज आपने ये किया कि इन दोनों सेल को आपने हटा लिया, यहां से हटा लिया, हटाने के बाद दोबारा जोड़ा लेकिन अपोजिट पोलैरिटी से जोड़ा। दूसरा सर्किट भी मैं यही बना देता हूं, ये तो E1 और इस बार अपोजिट पोलैरिटी से जोड़ा आपने, ये आपका क्या E2। देखिए पहले दोनों का ही EMF एक डायरेक्शन में काम कर रहा था, लेकिन इस बार EMF E1 का एक डायरेक्शन में है तो E2 का EMF अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है। और फिर से आपने गैल्वेनोमीटर लगाया, गैल्वेनोमीटर लगाया और फिर से आपने बैलेंसिंग लेंथ ले ली, और इस बार ये बैलेंसिंग लेंथ आई है कुल कितने पर, 50 सेंटीमीटर पर आई है। आपको E1 और E2 कैलकुलेट करने हैं, नेसेसरी डायग्राम आपका ड्रॉ हो गया। बहुत सिंपल सी बात है, फर्स्ट केस में E1 और E2 दोनों जुड़ रहे हैं तो टोटल EMF कितना बन रहा है इस कॉम्बिनेशन का, E1 प्लस E2। तो आप सिंपली क्या लिखेंगे, E1 प्लस E2 इज इक्वल टू KL1। और अगली बार में दोनों EMF एक दूसरे के अपोजिट पड़ रहे हैं तो हम ये मान लेते हैं E2 E1 बड़ा है, E1 माइनस E2 इक्वल्स KL2। दोनों को आप डिवाइड कीजिए, L1 आपको गिवन है, L2 आपको गिवन है, L1 350 और L2 आपको कितना गिवन है 50। उसके बाद कंपोनेंट और डिविडेंड लगाइए, आपका सेल का EMF आ जाएगा। कर लेंगे इसे, कर लेंगे। बैलेंसिंग लेंथ इन द टू केसेस फाउंड टू बी 350 सेंटीमीटर एंड 50। नहीं, थोड़ा सा आपको पहले यहां से KB फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि साइमल्टेनियस इक्वेशन बनाने के बाद ही E1 और E2 की वैल्यू फाइंड होगी। तो K की K कैसे फाइंड करेंगे, K आपका होगा VAB अपॉन लेंथ ऑफ AB। तो जरा ध्यान से देखिए, AB का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, AB का पोटेंशियल डिफरेंस है 5 वोल्ट क्योंकि 5 वोल्ट की बैटरी सीधे सीधे AB से जुड़ी हुई है, और इसका लेंथ कितनी है 5 मीटर की लेंथ दे रखी है यानी 500 सेंटीमीटर। तो K निकल कर आया 1/100 वोल्ट पर सेंटीमीटर। के की ये वैल्यू आप यहां दोनों जगह रख लीजिए, साइमल्टेनियस इक्वेशन आपकी बन गई, E1 और E2 आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं।